d cos theta and d sin theta. We have to integrate for the for both component, x axis के लिए भी और y axis के लिए भी. ओके अभी तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, अभी अभी सबको नींद खुली है 7:30 बजे. लास्ट क्लास में हमने प्रॉमिस करवाया था. सो इसका d cos theta और इधर हो गया d sin theta. सो हमने जो पीडीएफ भेजा उसमें जाके पूरा डेरिवेशंस देख लेना. ex निकालना है तो क्या करेंगे, d cos theta को इंटीग्रेट करेंगे, d cos theta i cap अभी के अकॉर्डिंगली. और ये पॉइंट सपोज ये डिस्टेंस को मैंने y1 कहा, पीडीएफ में ऐसे ही दिया हूं, ये y2 है तो लिमिट y के टर्म में आ जाएगा, y dy के टर्म में. सो y2 विल बी माइनस y2, चूंकि यहां से नीचे जा रहे हैं, से लेके प्लस y1. ओके बच्चों, एंड देन ey के लिए लिखोगे d sin theta. ओके एंड सेम माइनस बाय टू से प्लस बाय वन और लिमिट देखो, अभी हमने d sin theta नीचे लिखा है तो ये माइनस j का. एंड देन हमने इसी y के जगह पे मैंने इसके टर्म में लिख लिया है, ये एंड पॉइंट को यहां से मिला दो तो दिस एंगल इज थीटा वन, और यहां से मिला दिए तो दिस एंगल इज थीटा टू. सो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिजल्ट अभी मैं बता रहा हूं, एकदम से याद रखना रिजल्ट, इस पे आज बहुत सारे सवाल करेंगे. सो इसको जब इंटीग्रेट करोगे और थीटा वन थीटा टू के टर्म में लिखोगे, सो अभी का भी याद कर लो, ई एक्स कम्स आउट एज चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, के लैम्डा अपॉन ये डिस्टेंस आर, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, एंड इतना आई कैप एंड ई वाई भी ऐसा ही आ जाएगा, के लैम्डा बाय आर. अब देखो इसमें तुम गेस कर सकते हो कि सर इसमें जो भी क्वांटिटी आएगा प्लस में नहीं आएगा, क्योंकि अगर मान लो जितना इधर है उतना ही इधर होगा तो नेट फील यहां पे वाई डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा. यू कैन गेस दैट, इधर वाला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे क्रिएट करना चाहेगा, इधर वाला पार्ट ऊपर करना चाहेगा. अगर दोनों है तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल कर लेगा. एंड अगर नीचे वाला ज्यादा है बच्चों, नीचे वाला बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है, ये एंगल थीटा टू बड़ा है तो नेट फील्ड ऊपर होने वाला है ना. तो ये सबको कंसिडर करके तुम याद रख सकते हो, हालांकि डेरिवेशंस में ही आ जाएगा, मैंने पीडीएफ भेजा उसमें डेराइव करके भेजा है, हैंड रिटन जो पीडीएफ भेजा है. कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, आई एम सेइंग द लॉजिक, थीटा टू अगर बड़ा है बच्चों तो cos थीटा वन छोटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा वन छोटा है तो cos थीटा वन बड़ा हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो j कैप हो जाएगा. तो मैंने अभी जो डायग्राम ड्रॉ किया है उसमें ex इसको लिखा है और ey इसको लिखा है. सो ये फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाना चाहिए. अभी सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, चूंकि ये हमने पिछले क्लास में भी बता दिया था इसलिए चलो बच्चों स्पेशल केस डिस्कस करते हैं. तो पहला केस है कि लाइन चार्ज जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, दैट मीन्स इधर भी इंफिनिटी इधर भी इंफिनिटी, और यहां से आर डिस्टेंस पर निकालना फिर इनफाइनाइट लेंथ. That means, इसको अगर मैं पूछूं व्हाट इज थीटा वन
थीटा वन हो जाएगा पाई बाय टू 90, बट इस थीटा टू इन्फिनिटी गया, ये भी हो जाएगा थीटा टू इज ऑल्सो पाई बाय टू। सो इस फॉर्मूला में देखो, चूंकि इधर इन्फिनिटी है इधर इन्फिनिटी, सिमेट्री है, तो तुम कह सकते हो इस पर नेट फील्ड सिर्फ इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में। एकदम अच्छे से समझना बच्चों, ऐसा ही चीज मैग्नेटिज्म में भी है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट। सो व्हाट विल बी ई एक्स, फॉर्मूला लिखते हैं के लैम्डा बाय आर। सी दिस फॉर्मूला, कॉस 90 प्लस कॉस 90, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन आर। ये फॉर्मूला हो गया इनफाइनाइट लाइन चार्ज, लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा। सो ये फॉर्मूला हो गया। कोई बच्चा इसको मैं कभी एग्जाम में ऐसे पूछ सकता हूँ, के का वैल्यू पुट कर दिया 1/4 pi epsilon naught, ये 2 है तो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 pi epsilon naught r। रेडियली आउटवर्ड। बच्चों ये क्लियर? अगर क्लियर तो एक बार थम्स अप करो। आज ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, हालांकि मैंने लास्ट क्लास में भी इंट्रोड्यूस किया था, सिर्फ एक बच्चा ने किया है, कौस्तुब ने, श्रेया ने किया, सर्विल, सिद्धांत ने कहा यस, और भी बच्चे किए होंगे, मैं सबका नाम एक साथ नहीं देख पाता हूं। मनस्वी ने भी किया यस, हर्षल, अभिषेक, सृष्टि। चलो बच्चों तो ये नोट डाउन कर लो, क्योंकि हमारे पास स्पेस का कंस्ट्रेंट है तो मुझे बार बार मिटाना पड़ता है। तब तक दूसरा लिख देता हूं यहां पे, सेकंड केस, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट दैट मीन्स सपोज ये वाई एक्सिस पे है, यहां से स्टार्ट हुआ और इधर इंफिनिटी तक गया, और मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे। तो मैं क्या करता हूं, ई एक्स लिखता हूं, ई एक्स इज इक्वल टू थीटा वन क्या हो जाएगा, यहां से थीटा वन हो जाएगा पाई बाय टू, व्हाट इज थीटा टू, थीटा टू हो जाएगा जीरो। मनस्वी क्लियर हुआ? हाँ सर। सेमी इनफाइनाइट में थीटा टू जीरो, गुड। ऐसे ही रेस्पॉन्स करते रहो तो ex इज इक्वल टू आ जाएगा k लैम्डा अपॉन r साइन थीटा वन हम पुट कर देंगे 90, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तो ये ex हो गया, इतना आई कैप। लेकिन यहां पे ey भी होगा, ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है, जे कैप है, तो मैं किससे पूछूं, कौस्तुभ, कौस्तुभ बताना, कौस्तुभ तो अभी ज्वाइन किया लगता है, नहीं कौस्तुभ बताना यहां पर ई बाई क्या होगा, प्लस जे कैप या माइनस जे कैप, बिना फॉर्मूला देखे हुए। प्लस सर, सोच के बताना, मुझे नहीं पता, मैं भूल, तुम्हारे जो कहोगे वही लिखूंगा, तुम पे भरोसा कर रहा हूं सर। माइनस आएगा सर, माइनस आएगा, तुम्हारी बात ही लिखूंगा यार, तुम जो कहोगे वही लिखूंगा, तुम जो कह दो सर। एक और बार जरा, मतलब हाँ यही मुझे पता है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो पता नहीं क्या करते रहते हैं, टीवी पे के बगल में बैठ के देखते रहते हैं क्या,
सर माइनस नहीं, देखो यहाँ पे हमने कहा कि चार्जेस इधर है तो चार्जेस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किधर करता है, दूर अवे, तो ये इधर वाला किधर करेगा, इस तरफ नीचे करेगा, माइनस आएगा, वही बोल रहा था सर। नहीं बोला तो दोनों था यार, है ना, बाद में सर माइनस। ये तो ऐसी कहानी होगी जो आजकल पत्नियां करती है, दोनों चीज बोल देती है, बाद में लड़ाई करती है, मैंने तो ये बोला था, ये किए नहीं। चलो क्या करते हैं, इसका नीचे होगा है ना ई वाई, क्योंकि इधर है, फॉर्मूला में पुट कर दोगे तो ई वाई देखो कॉस थीटा वन, थीटा वन कितना पुट करेंगे पाई बाई टू, तो कॉस जीरो हो गया वन माइनस, सॉरी कॉस नाइनटी, कॉस नाइनटी है ना थीटा वन, तो क्या जीरो माइनस कॉस जीरो वन, तो ये माइनस आ जाएगा, तो फॉर्मूला से भी आ जाएगा के लैम्डा बाई आर माइनस जे के, एंड सी द सेंस इधर चार्जेज है तो इसका इंपैक्ट नीचे होगा, इधर और नीचे, तो इधर हो गया ई एक्स, इधर हो गया ई वाई, इज इट क्लियर। सो ये छोटा सा सवाल करते हैं, तुम्हें लोगों से पूछेंगे, दो लाइन चार्ज है लैम्डा टू लैम्डा, कुछ पोजीशंस मैंने डायग्राम में दिखा दिए, एक्सप्लेन कर दिया था ऑलरेडी तुम्हें, ये सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है विथ डायरेक्शन भी, आई कैप माइनस आई कैप जो होगा वो लिखना है। ओके तो बच्चों मुझे लगता है सबसे सॉल्व हो गया होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज इस लाइन चार्ज के कारण का है, तो ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा रेडियली आउटवर्ड, इसके कारण लिखेंगे तो इधर लिखेंगे, क्योंकि दोनों का चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा के इंटू टू लैम्डा बाई ए, ये हो जाएगा के लैम्डा बाई, सॉरी टू टाइम्स ऑफ दिस, और ये हो जाएगा टू के लैम्डा बाई ए, सो ई एट ए बिकम्स दिस माइनस दिस, सो जाएगा टू के लैम्डा बाई ए, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, माइनस आई का, क्लियर है बच्चों। So, अभी हमने दो लाइन चार्ज लिया, वन इज अलोंग एक्स एक्सिस, अनदर इज अलोंग वाई एक्सिस, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, एंड एक पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन है, एंड दिस इज ऑरिजिन, सो इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, और ये जिसने जिसने लिख लिया मतलब उसको 100% समझ में आ रहा है, और मुझे पता है कि 20% बच्चे भी सही नहीं लिखेंगे, तुम मुझे झूठ करके दिखा दो, गलत दिखा साबित कर दो, मैं सॉल्व कर रहा, सारे बच्चों का ध्यान होना चाहिए। बच्चों इस पॉइंट पे दो फील्ड, पहले ये एक्स एक्सिस के कारण लिखते हैं, एक्स एक्सिस के कारण फील्ड जो होगा वो इधर होगा, सपोज इसको कह दिया ई वन, एक्स एक्सिस के कारण ई वन, और इसके कारण देखो ये इनफाइनाइट है, इसके कारण इधर कितना ई टू, E2 कितना लिखेंगे, तो ये देखो K 2K लैम्डा 2 अपॉन, अब डिसाइड करना है ये क्या लिखूं, शांतनु शांतनु बताओ यहां क्या लिखे नीचे, X1 या Y1, X1, शांतनु ने बहुत सही बताया, दिस इज द डिस्टेंस, और ये X1 है, कुछ बच्चे इसके कारण लिखते हैं तो y1 लिख देते हैं, दिस इज x1, एक्सलेंट, और ये है तुम्हारा y1, सो e1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2k लैम्डा 1 अपॉन y1। ओके बच्चों, सो सवाल में मैं असाइनमेंट दूं तो मैं ऐसे पूछ सकता हूं कि नेट फील्ड इधर है, सो नेट फील्ड x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, सो tan थीटा यू कैन से दैट tan theta 1 will be tan theta is equal to e1 by e2, this will be the net direction of electric field, iska iska component, resultant,
सो बच्चों एक बार और रिपीट कर देता हूँ सवाल, बहुत सारे बच्चे नहीं सुने थे। दो लाइन चार्ज है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, दूसरा भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग प्लेस्ड है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट 0.0.z, यहां पर निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों बहुत आसान है ये, मैंने आंसर लिख दिया। ओके सो नेक्स्ट सवाल, अगेन मैं बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ये समझो, ये समझ में आया मतलब तुम्हें 100% समझ में आ रहा है इस वाले कॉन्सेप्ट में। मैंने ऐसे इतने सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस लिए कि एकदम क्लैरिटी आ जानी चाहिए कैसे लिखना है। पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग है, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, बी पॉइंट पे लिखना है, सी पॉइंट पे लिखना है। सो तमन्ना बताएगी ए पॉइंट पे, तो मैं ही बताता हूं ए पॉइंट पे हो जाएगा 2k λ/a। व्हाट अबाउट बी पॉइंट तमन्ना? इस बात को समझो कि ए पॉइंट के लिए ये सेमी इनफाइनाइट है, बट बी पॉइंट के लिए यही लाइन चार्ज मोर देन सेमी इनफाइनाइट है, बिकॉज यहां से इधर ही सेमी इनफाइनाइट हो गया, इधर कुछ और है। और हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है, इसको कहा है थीटा वन, इसको कहा है थीटा टू। सो थीटा टू कितना हो जाएगा 45 और थीटा वन कितना हो जाएगा 5/2, 90 डिग्री। सो यहां पे दो फील्ड होगा। कौशल ने कहा कि वही होगा क्या, थोड़ा डिफरेंट होगा कौशल। ई एक्स तो वही हो जाएगा 2k λ/a, इतना आई कर, एंड यू कैन गेस कि वाई नीचे होने वाला है। बट मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, ई वाई का फॉर्मूला क्या था, अच्छा एक सेकंड, ये 2k λ/a नहीं होगा ना, k λ/a होगा ना, सेमी इनफाइनाइट है ये k λ/a। यहां पे ई वाई इक्वल टू लिखेंगे k λ/a, और यहां पे जब लिखेंगे ई एक्स इक्वल टू k λ/a और साइन पाई बाई टू, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू पाई बाई फोर, इतना आई कैप, ये हो जाएगा ई एक्स। व्हाट अबाउट ई वाई? k λ/a और हो जाएगा कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, इतना जे कैप, k λ/a, कॉस थीटा वन हो जाएगा 0, 90 है, और माइनस 1/√2 जे कैप। तो ये देखो आ गया माइनस जे कैप में। सो ई बी मैं फाइनल लिख रहा हूं, ये चेक कर लो, k λ/a 1 + 1/√2 आई कैप प्लस k λ/a माइनस जे कैप 1/√2। सो नाउ फॉर सी पॉइंट, देखना सी पॉइंट के लिए थीटा वन फिर से हो जाएगा 5/2, लेकिन देखो इसका दूसरा एंड नीचे नहीं है, इस लाइन से नीचे नहीं ऊपर ही है, और ये एंगल भी 45 ही होगा। ये 45 क्यों हो रहा है वो तुम्हें शायद क्लियर है, दिस इज ए दिस इज ए दिस इज ए दिस इज ए। सो इस केस में थीटा टू मैं क्या पुट करूं? जनरली हमने कन्वेंशन किया था नीचे आ रहा था पॉजिटिव ले थे, बट यहाँ पे ऊपर गया है, तो थीटा टू माइनस पाई बाई फोर पुट करना है, थीटा टू माइनस पाई बाई फोर इस फॉर्मूला में। सर एक बार वापस सी वाला पॉइंट के लिए,
अब तो नहीं बताऊंगा क्या दिख फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस. सो बच्चों यहां पे देखना, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, एक रिंग है और जो भी रिंग ड्रॉ किया हूं मैंने, ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है. रिंग का ये हाफ, सपोज दिस हाफ इज अबव द बोर्ड प्लेन एंड दिस हाफ इज बिलो द बोर्ड प्लेन, ऐसा रिंग है, आधा पीछे आधा ऊपर, और ये जो एक्सिस है वो बोर्ड के प्लेन में है. सो दिस एक्सिस इज बोर्ड प्लेन और ये पॉइंट पी पे मुझे, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो ये 3D हो गया सवाल, 3D में. बट अच्छी बात ये है कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो एक काम करते हैं, कैसे फील्ड निकालें. तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट अभी कंसीडर कर रहा हूं यहां पे. तो ये वो पॉइंट है जो अभी बोर्ड के प्लेन में ही है, जस्ट दोनों के इधर वाले अंदर वाले और बाहर वाले हाफ रिंग के जस्ट जंक्शन पे. तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, इधर हो जाएगा DE. लेट्स से छोटा सा चार्ज को मैं DQ लिख रहा हूं, टोटल चार्ज रिंग पे Q है, लैम्डा के टर्म में भी दे सकते हैं, टोटल चार्ज के टर्म में भी दे सकते हैं, यू नो द कन्वर्जन. तो इस पॉइंट पे D है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा. तो इस डी का दो कंपोनेंट होगा बच्चों, एक होगा इस डायरेक्शन में DE cos थीटा और इधर हो जाएगा DE sin थीटा, है ना. एंड फ्रॉम सिमेट्री यू कैन गेस दैट कि ये DE sin थीटा जो है वो कैंसिल होने वाला है. एक पूरा ऐसे रिंग ले लो और ये एक्सिस लो, तो इस एक्सिस के लिए इधर वाला डायरेक्शन सिमेट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इधर ही होगा, अलोंग एक्स एक्सिस ही होगा, ना नीचे होगा ना ऊपर होगा, ना इस एंगल पे होगा ना इस एंगल पे होगा, बिकॉज द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. क्योंकि ये लाइव लेक्चर्स मतलब ऑफलाइन नहीं है, तो ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा जो मैं अभी समझा रहा हूँ, बट कोशिश करूंगा मैं समझाने का. तो उसके लिए मैं अभी इस पॉइंट के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे एक और छोटा सा चार्ज ले रहा हूं, वैसा ही आइडेंटिकल चार्ज, ये भी अभी बोर्ड के प्लेन में है. बोलो मनस्वी. क्या सर, कुछ दिक्कत या फास्ट? नहीं ठीक है सर, आ रहे सब समझ में. क्या बात है. तो इसके कारण देखना, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर. कुछ बच्चों को तो अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ऐसे क्यों पुश करते हैं, पॉजिटिव चार्ज है रेडियली आउटवर्ड. अब इसका भी देखना, ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये एंगल थीटा है, तो डी कॉस थीटा डी साइन थीटा. सो ये एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अभी तो मैंने ये दो पॉइंट लिए, तुम इस रिंग का भी यहां का भी कोई पॉइंट लोगे, तो इसके अपोजिट जो होगा वो भी इस लाइन के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा और ये कंपोनेंट ऐड हो जाएगा. That means, अभी जो इतना हमने डिस्कशन किया उससे ये पता चला कि जो नेट फील्ड होगा E, वो नेट जो होगा वो x डायरेक्शन में होगा और वो कितना होगा, दैट इज D cos थीटा का इंटीग्रेशन. यहां तक समझ में आना चाहिए.
डी कॉस थीटा। सब लिखना है डी, लिखें कितना, तो डी विल बी के, इस पे चार्ज लिखा डी क्यू अपॉन व्हाट इज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, दिस इज एक्स दिस इज आर, सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एकदम ध्यान से देखते रहना, डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू कॉस थीटा, कॉस थीटा देखो बच्चों एक्स अपॉन आर, सॉरी एक्स अपॉन दिस, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और इसी को इंटीग्रेट करेंगे, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं के, इसमें बताओ बच्चों वेरिएबल क्या है, एक्स आर क्यू 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 आर एक्स, एक्स वेरिएबल नहीं है। हाँ तो ये समझ में आ गया, कौशल ने कहा एक्स एंड डी क्यू, गलत कौशल, यही चीज है, यही चीज समझना, यही टीचर का काम है, ये रियलाइज करना, वीडियोस तुम देखोगे हर कोई ये डिराइव कर देता है, लेकिन ये बताना है कि यहाँ पे x इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि जब हम एलिमेंट ले रहे, देखो ये पॉइंट p पॉइंट पे लिख रहा है, पहले ये एलिमेंट लिया फिर ये एलिमेंट लिया फिर ये एलिमेंट लिया, इंटीग्रेट जो हम कर रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, मतलब हम तो पॉइंट p पे ही निकाल रहे हैं ना, तो ये x तो हमारा कॉन्स्टेंट है, दैट इज मेन थिंग, इज इट क्लियर टू ऑल, x इज कॉन्स्टेंट, ओनली वेरिएबल इज dq, q, किसी का नहीं आया, yes, sir. नहीं आया किसी का, नहीं आया कम से कम, प्रतीक का भी आया, yes, अर्णव का मैसेज आया, सिद्धांत का आया, क्योंकि सब लोग सो रहे होंगे, क्योंकि हम तो देख नहीं सकते ना क्लास में, तो हम घूम घूम के देखते हैं कि कौन क्या लिख रहा है, प्रतीक का भी आया, और वीडियो भी ऑन नहीं करा सकता हूं क्योंकि डेटा ज्यादा कंज्यूम होता है। चलो अभी सात मैसेज आ गया, हर्षल का भी आ गया, यस सर, ठीक है, सो यहां पे ये सारे कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू, और इंटीग्रेशन किसका है, dq। अब समझना बच्चों ये dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dq का इंटीग्रेशन सिंपली q हो जाएगा, सो ex कितना आ गया k q अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3 बाय 2 इंटू x, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको सोचना कि जब भी हम रिंग पे डिस्कस करते थे तो एलिमेंट कैसे लेते थे, आर सॉरी थीटा एंगल पे डी थीटा का, लेकिन यहां पे मुझे वैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज मुझे सिर्फ वेरिएबल में देखो डी क्यू ही आया, तो मैं क्यों लिखू डी क्यू का इंटीग्रेशन को क्यू, सो जब हम ई एक्स कुछ निकाल रहे हैं तो ex को निकालने के लिए सारे एलिमेंट का ex d cos theta लिखा, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे समझने का कि इसमें dq के इंटीग्रेशन का वैल्यू q ही होगा, चाहे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली हो। ये हो गया बच्चों जेई एडवांस के लेवल का कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बोला, अगर 10% बोलो ना, मैंने बोला कि जो ex निकाला है हमने, ex में जो हम इंटीग्रेट अभी किए हैं, तो dq का इंटीग्रेशन q ही होगा, चाहे वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रिंग पे या नॉन यूनिफॉर्मली हो। तो यहां पे लिख लोगे ex will be same whether the charge distributed uniformly or non-uniformly. लिख लिया ये बात।
सो अब तुम कहोगे कि सर आपने तो स्टार्टिंग में कहा था कि चार्ज जो हमने निकाल रहे हैं वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, हमने कहा था हम जो अभी निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाले, नॉन यूनिफॉर्म होता तो भी ई एक्स वाई होता, बट अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो ये जो हम कह रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा लाइन के परपेंडिकुलर, वो जरूरी नहीं है, वो कैंसिल नहीं होगा। सो इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली तो यहां पे नेट फील्ड में ई एक्स का ये कंपोनेंट तो रहेगा ही, ई वाई या ई जेड या वाई जेड प्लेन में भी एक कंपोनेंट होगा, हो सकता है मे बी और मे नॉट, बट अगर यूनिफॉर्म है तो ये वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं होगा। तो बच्चों नोट इट डाउन, लिखोगे इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली नेट फील्ड विल बी, देखो यहां पे ये पॉइंट ये यूनिफॉर्म है तो ये लिखेंगे, इफ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली देन नेट फील्ड विल बी ई नेट इज इक्वल टू ई एक्स, है ना, एंड इफ नॉन यूनिफॉर्म, इफ नॉन यूनिफॉर्म देन नेट ई विल बी इक्वल टू दिस ई एक्स, ई एक्स वही रहेगा प्लस एक और कंपोनेंट मे बी वाई जेड प्लेन में होगा, ये मे बी नॉन जीरो, मतलब मोस्टली नॉन जीरो रहेगा अगर आर्बिट्री रहेगा तो, और ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं तुम कम कर रहा हूं चैलेंज के साथ कर रहा हूं कि किसी भी वीडियो में कोई भी टीचर्स इतना डिटेल में ये बताए कि नॉन इनफॉर्म में क्या होगा, और ये मेरा फेवरेट सवाल है, मैं टेस्ट में देता हूं सारे बच्चे निगेटिव करके आते हैं, है ना एडवांस में। तो अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में दो दो केस लेता हूं, मेरा सवाल ये होता है मेरे असाइनमेंट में भी होगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक केस में यूनिफॉर्म है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इवन है, सेकेंड केस में सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, सेम चार्ज बट नॉन यूनिफॉर्म है, उसी डिस्टेंस x पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हम कह सकते हैं कि E2 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू E1 होगा, दिस इज यूनिफॉर्म एंड दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, लिखा हुआ बहुत नहीं समझ में आया होगा बिकॉज रेड कलर से लिखा है, बट मैंने इतना भाषण दिया है अभी, ये भाषण रिपीट करके भी सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा। सो यूनिफॉर्म के केस में इवन, इवन में सिर्फ ई एक्स है, ई टू में ई एक्स वही है जो उसमें है और इसका वाई कंपोनेंट भी होगा, तो नेट ई विल बी ग्रेटर, सो दिस इज रिजल्ट। सर याद है, याद है, तो देखो मैंने एक रिंग बनाया इसके कारण मैं फिर लिख दिया ये फॉर्मूला, तुम्हें याद करने का भी टेक्निक बताया था, बहुत फ्रिक मतलब बहुत जल्दी में तुम लिख सकते हो ये के क्यू बाई आर स्क्वायर फील, और चूंकि इसका कंपोनेंट कॉस थीटा, कॉस थीटा एक्स बाई रूट वाला, तो ये हो गया थ्री बाई टू, एंड देन हमने कहा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बीच में कहीं मैक्सिमम हुआ होगा, मैक्सिमा के लिए डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, और अभी हमने तुम्हें याद दिलाया ये क्यू चार्ज, क्यू चार्ज टू ए डिस्टेंस से सेपरेटेड था, वाई डिस्टेंस पे पूछा था, इस पे फोर्स, फोर्स को या फील्ड को यहाँ पे, और किसी को याद है वाई इक्वल टू आया था ए बाई रूट टू, वाई इक्वल टू आया था, ओके ये है ए, तो एग्जैक्टली तुम एक्सप्रेशन देखोगे तो सेम एक्सप्रेशन, यही एक्सप्रेशन यहां जो एक्सप्रेशन आया था वो ऐसा ही था एग्जैक्टली, यू कैन गो एंड सी दिस इन योर नोट्स, कहोगे सर ऐसा क्यों आ रहा है, सेम क्यों आ रहा है, बिकॉज दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस, इसमें भी देखो दो चार्ज है, ये और ये,
फिर ये और ये, फिर ये और ये, ये बहुत सारे दो चार्ज का कॉम्बिनेशन है। वहां पे सिर्फ ये क्यू क्यू लिया था तो वहां पे यहाँ टू क्यू रहा होगा, टू क्यू मतलब टोटल चार्ज, तो एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है। तो हार्डली जो बच्चे ये रियलाइज कर लिया, हाँ सर ये और ये तो एग्जैक्टली सेम ही है, इसलिए। और यहां देखना, यहाँ पे टू ए था, ये ए, तो यहाँ पे ये देखो टू आर है, तो एक्सप्रेशन में अगर ये करोगे डी बाई डी एक्स जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू आर बाई रूट टू आएगा, क्योंकि ये इधर भी होगा, तो एक्सप्रेशन में ये लिख मैथमेटिकली आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू आर बाई रूट टू। एट दिस पॉइंट फील विल बी, एट दिस पॉइंट E will be maximum. How much maximum value? अब मैं टेस्ट लूंगा, उसमें पूछ दूंगा, ये मैंने बता दिया, पूछूंगा मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना, तो इसमें x का वैल्यू r by root 2 पुट कर दोगे। कौन सा बड़ा सवाल मैंने पूछ लिया? So you should answer this. बच्चे यहां स्ट्रगल करते हैं, तो ये बच्चों समझ में आया? क्या निकालना है? ग्राफ निकालना है, ड्रॉ करना है। ये चार्ज रिंग है, दिखा दिया थोड़ा, और ये हमारा हो गया एक्सिस। सो एक्स वर्सेस वाई एक्सिस पे मैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर I कैप में है तो पॉजिटिव दिखाऊंगा, J कैप में है तो नेगेटिव दिखाऊंगा, ओके? So यहाँ पे जीरो था, जीरो से तुम्हें लोगों ने कहा कि सर बढ़ेगा, तो ये क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा एक पॉइंट पे, और फिर डिक्रीज होना शुरू होगा, एंड इट बिकम्स जीरो एट इंफिनिटी। अब इधर भी जाएंगे तो देखो इधर फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे फील्ड फिर से निगेटिव डायरेक्शन होगा, ऐसे आएगा, मैक्सिमा होगा, एंड देन घटते घटते जीरो होगा। सो इफ आई आस्क यू वेयर मैक्सिमा होगा, तो तुम कहोगे सर मैक्सिमा अभी बताया आर बाई रूट टू पे। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर ले, और अगर मैं एग्जाम में पूछूं कि ये वैल्यू कितना होगा, तो ये वैल्यू आर बाई रूट टू इस एक्सप्रेशन में पुट कर दोगे, तो ई का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। सो ड्रॉ दिस डायग्राम। तो जितने भी अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वन लेक्चर से, लास्ट लेक्चर से, चार्जेस वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए लाइन, दैट्स व्हाई हम लोग क्या ले रहे थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। अब हम लोग वो सवाल देखेंगे जहां पे चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो वहां पे हम क्या लेंगे, वहां पे लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, and we denote it by sigma, sigma is equal to लिखेंगे, इसको क्या कहेंगे, surface charge density. So let's we have a disk, और इसके पूरे surface पे charge distributed है uniformly। अगर हमने कह दिया कि ये टोटल चार्ज सपोज Q है, और किसी से मैं पूछूं कि बताओ सिग्मा, तो शायद उसको नींद भी आती रहेगी तो भी बता देगा इसका रेडियस R लिया, तो कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी बताओ, तो कहेगा टोटल चार्ज Q अपॉन टोटल एरिया, बता दोगे कि नहीं सिद्धांत? तो सिग्मा क्या है, तो मैं बच्चों का सवाल ले रहा हूं। अब क्या करना है मुझे, इस डिस्क से आर डिस्टेंस पे, या एक्स ले लेता हूं, एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इस डिस्क से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो हेडिंग डालो,
बच्चों ये क्लियर हुआ? इस डिस्क को हम मान सकते हैं कि ये बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे रिंग से बना हुआ है। छोटे मतलब ये थिकनेस बहुत ही स्मॉल है डी आर, और उस रिंग का रेडियस वेरिएबल है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। हर रेडियस का जीरो से लेकर के कैपिटल आर रेडियस का बहुत सारे रिंग, इसके बीच के रेडियस का। तो मैं एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर करता हूं। अपूर्व ने कहा कि यस सर क्लियर हो गया। अपूर्व बागुल बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां से आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा रिंग लिया डी आर का। अब इसके कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लिखने आता है। अभी अभी हमने सीखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग हम लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के लिए लिखते थे तो टोटल चार्ज चाहिए था रिंग का। क्या हमें पता है? नहीं पता है। तो लिखो कंसीडर एन एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर। ओके बच्चों, व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ द एलिमेंट? सरफेस एरिया इज इक्वल टू, तुम बता सकते हो कितना हो जाएगा? ये देखो डेड, मैंने ये जो शेडेड पार्ट किया है सबको लिखने आता है, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस इनटू ये विड्थ डी आर। समवन विल आस्क सर क्यों लिख रहे हो सरफेस एरिया? बिकॉज हमारा टारगेट है टोटल चार्ज लिखना, टोटल चार्ज ऑन द एलिमेंटल रिंग। यहां पे लिख सकते हो टोटल चार्ज ऑन एलिमेंटल रिंग डी क्यू इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया। आई होप कि ये क्लियर होगा सबको। डी क्यू की मुझे जरूरत थी। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग, चूंकि ये रिंग पे चार्ज बहुत छोटा है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डी लिखेंगे। बट वी नो दैट किस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है डी। सो हाउ मच डी विल बी? तो फॉर्मूला देखो, अभी हमने याद करवाया था कैसे लिखना है, भूल गए होगे तुम लोग। के इंटू डी क्यू अपॉन अपॉन ये डिस्टेंस लिखते थे तो वो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू एक्स। याद आया बच्चों ये कैसे लिखे? मैंने लॉजिक बताया था, मैं भी रिकॉर्डिंग में नहीं आया होगा, मैंने पहले लॉजिक बताया था अच्छे से। सो डी लिख लिया। अब देखते हैं कि कितने बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे मोबाइल में लगा करके गाने सुन रहे हैं। इसमें वेरिएबल क्या क्या है अभी इस एक्सप्रेशन में? व्हाट आर द वेरिएबल? ये बताता है कि तुम कितना ध्यान से देख रहे हो। आर 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 एक्स कांस्टेंट है? यस सर। हाँ बहुत बढ़िया। और प्रतीक ने मुझे मैसेज किया, बहुत बढ़िया मैसेज किया कि सर क्यू और आर दोनों वेरिएबल है। बहुत बढ़िया, आर भी वेरिएबल है और क्यू भी वेरिएबल है, डी क्यू भी, अलग अलग एलिमेंट का अलग चार्ज है। इसलिए मैंने सिर्फ इसको इंटीग्रेट करने से पहले देखो मैंने तैयारी कर लिया है, डी क्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं किसके टर्म में, आर के टर्म में। सो व्हेन वी विल इंटीग्रेट बच्चों हमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, है ना। तो अगर मान लो मैंने पहले ही ये लिखा होता तब हम कहते कि बच्चों डी क्यू निकालो,
इन टर्म्स ऑफ आर. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ लेक्चर्स. जो लेक्चर में ये समझा रहा है मतलब वो सही से बता रहा है. और बाकी डेरिवेशंस तो सबको बुक में भी हर जगह लिखा हुआ मिला है, मिल जाएगा. क्लियर बच्चों? सो दिस इज द डिफरेंस. सो बच्चों ये डी क्यू ऑलरेडी मैंने निकाल चुके हैं क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल में लिखना है. सो इंटीग्रेट करना है. गुड शांतनु ने कहा समझ में आ गया, बहुत बढ़िया शांतनु. के डी क्यू का वैल्यू पुट कर दो सिग्मा 2 पाई आर डी आर होल अपॉन ये एक्स भी है और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2. अब देखो ये पूरा एक्सप्रेशन एक ही वेरिएबल आर में आ गया. सो 0 to आर रेज फ्रॉम 0 to R. नाउ सॉल्व दिस. तुम्हें आता है इंटीग्रेशन, ट्राई इट. मैं 2 मिनट में आता हूं, तब तक तुम सॉल्व करो इसको. शांतनु ने कहा यह समझ में आया. ये देखो हमने यहां तक एक्सप्रेशन लिखा. इस एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट है देखो मैंने यहां पे बाहर निकाल लिया कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेट करना है. और इंटीग्रेशन तुम्हें आता है बट मैं एक बार जस्ट हिंट देता हूं कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को जेड स्क्वायर पुट कर दो, यू विल गेट दिस. ये वैल्यू पुट कर दो तो फाइनल इंटीग्रेशन ये आया. सो हम एक्सप्रेशन लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के, के को क्या करता हूं 1/4 pi epsilon naught पुट करता हूं. सिग्मा ये देखना 2 pi एक्स और ये आया माइनस था माइनस माइनस 1/r² प्लस एक्स स्क्वायर का रूट लिमिट वाइज फ्रॉम 0 to R. ओके सो देखो ये 2 pi या 4 pi क्या बच गया सिग्मा बाय 2 epsilon naught और एक्स को भी बाहर रहने देता हूं, बाद में इन करूंगा एक्स बार चूंकि ये माइनस साइन है तो पहले लोअर लिमिट पुट कर देता हूं. एक्स तो कांस्टेंट है तो 1/x आर 0 पुट कर दिया बाद में कैपिटल आर माइनस 1/r² प्लस एक्स स्क्वायर का रूट. बच्चों इतना प्यार से समझा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. सिग्मा बाय 2 epsilon naught एक्स को अंदर ले लिया तो 1 - x/r² प्लस एक्स स्क्वायर का रूट. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों. इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आई कैप आई होप कि याद है. सो इन दिस एक्सप्रेशन व्हाट इज दिस टर्म. सो ये देखो x बाय समथिंग x बाय दिस. सो इफ आई आस्क यू कि लेट्स कि दिस एंगल इज थीटा नॉट ये एंगल दैट मींस दिस के टॉप पोजीशन से इस पॉइंट को मिला दो ये थीटा नॉट एंगल बना रहा है. तो E को मैं थीटा नॉट के टर्म में लिखूंगा सिग्मा बाय 2 epsilon naught 1 - जल्दी से बताओ ये क्या है साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट टैन थीटा नॉट. एनीवन कॉस थीटा नॉट. क्या बात है मनस्वी तो आज एकदम से फॉर्म में बहुत बढ़िया मनस्वी कॉस थीटा नॉट. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज this on its axis. Now we will discuss a special case. A special case is अब देखो बच्चों मैंने यहां पे सिग्मा के टर्म में लिखा. मैं एग्जाम में पूछ दूंगा असाइनमेंट में दे दूंगा कि टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस क्यू को सिग्मा के टर्म में लिख लोगे. सिग्मा को क्यू के टर्म में आ जाएगा. स्पेशल केस इज डिस्क को बड़ा कर दो और बड़ा और बड़ा और बड़ा इनफाइनाइट. अगर इनफाइनाइट बना दिया डिस्क को तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सीट हो जाएगा.
तो इनफाइनाइट सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और जिसको समझ में आ रहा है बताओ थीटा नॉट कितना होने वाला है। जल्दी से बताओ, I by 2 यार बड़ा करते जाओ 90, मैक्सिमम थीटा 90 तक जाएगा, तो cos pi by 2 जो कि 0 कितना आ गया सिग्मा by 2 epsilon नॉट। हालांकि इसका डेरिवेशन मैं बाद में गॉस लॉ करके है वो पढ़ाऊंगा, वहां भी कराऊंगा इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए डेरिवेशन, बट अभी हमने इंटीग्रेशन से सॉल्व किया और उसी को एक्सटेंड कर दिया इनफाइनाइट सीट के लिए। सो ये क्लियर बच्चों, इनफाइनाइट सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर, गुड। सो नोट डाउन करो इसको।